बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर फ्रॉम द रीडर स्कूल हफ्जाबाद। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट यूनिट नंबर वन एंड लेक्चर नंबर वन। आवर टॉपिक इज द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स मेनी ऑर्गन्स। ब्रेन इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड ब्रेन इज कॉल्ड द कंट्रोल सेंटर ऑफ द ह्यूमन बॉडी बिकॉज इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। इस यूनिट में हम इंसानी जिस्म के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यूज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इसके अलावा स्केलेटल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, मसल्स और मसल्स की काइंड्स के बारे में पढ़ेंगे। सो हम सेल से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बिल्डिंग यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज सेल एंड ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। लाइक ऑल लिविंग थिंग्स द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम लिविंग थिंग्स की तरह इंसानी जिस्म भी सेल से बनता है। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। वी हैव बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स, ब्लड सेल्स एंड सो ऑन। हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स होते हैं, जैसे कि बोन सेल्स, मसल सेल्स, हार्ट सेल्स एंड ब्लड सेल्स। बोन्स आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स। बोन्स जो है वो लिविंग सेल्स से बनते हैं। कुछ सेल्स ये हैं, नर्व सेल्स, नर्व से रिलेटेड रेड ब्लड सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स फॉर्म कवरिंग ऑफ द बॉडी। टिश्यूज, सेल्स ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यूज। जब बहुत से सेल्स मिलकर ग्रुप के फॉर्म में काम करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं। अ टिश्यू इज अ स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म अ सिमिलर जॉब। टिश्यूज कैन बी मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल। फोर काइंड्स के टिश्यूज होते हैं, मस्कुलर, कनेक्टिव, नर्वस और एपिथेलियल। बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू, नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड। मसल टिश्यूज में कार्डिक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स। एपिथेलियल टिश्यूज एपिडर्मस से रिलेटेड। एपिडर्मस आउटर मोस्ट लेयर है हमारी स्किन की। कनेक्टिव टिश्यूज फैट्स एंड अदर सॉफ्ट पेंडिंग टिश्यूज, बोन टेंडन्स। अब हम इन टिश्यूज के फंक्शंस पढ़ते हैं। द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टिश्यू टाइप्स। मस्कुलर टिश्यू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में मूवमेंट होती है। कनेक्टिव टिश्यूज गिव शेप टू ऑर्गन एंड होल्ड देम इन प्लेस। नर्वस टिश्यूज सेंड सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। नर्वस टिश्यूज जो हैं वो सिग्नल्स जो हैं ब्रेन को सेंड करते हैं और ब्रेन से सिग्नल लेके मसल्स को सेंड करते हैं। एपिथेलियल टिश्यूज कवर सम पार्ट्स ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का कुछ हिस्सा जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज कवर करता है। ऑर्गन्स, ग्रुप ऑफ टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन। जैसे सेल्स मिलके काम करते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, इस तरह टिश्यूज के ग्रुप के फॉर्म में काम करने से ऑर्गन्स बनते हैं। द बॉडीज फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय ऑर्गन। और ऑर्गन जो है वो हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, हार्ट इज एन ऑर्गन मेड अप ऑफ टिश्यूज। हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है और टिश्यूज से मिलकर बनता है। दैट कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। इट इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन एंड वर्क्स कॉन्स्टेंटली। ये बहुत पावरफुल ऑर्गन है और मुसलसल काम करता है। अगर हार्ट काम करना छोड़ दे तो हमारी बॉडी काम करना छोड़ देती है। सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी ऑर्गन्स। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। लंग्स हेल्प्स इन ब्रीथिंग। किडनीज हेल्प्स इन एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। स्टमिक हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। ऑर्गन सिस्टम, ऑल्दो ईच ऑर्गन हैज अ स्पेशल फंक्शन, इट ऑल्सो वर्क्स एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अदर ऑर्गन्स कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम। जिस तरह टिश्यूज के मिलके काम करने से ऑर्गन बनते हैं, इस तरह डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो भी अपना अपना काम करते हैं तो सिस्टम्स बनते हैं। द ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू डू अ स्पेशल जॉब। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टमिक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। यहाँ पे स्टमिक की एग्जाम्पल है। स्टमिक एक ऑर्गन है और स्टमिक में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और टिश्यूज के मिलने से डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। ये देखें, यहाँ पे सेल के मिलने से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना यानी स्टमिक, और ऑर्गन से सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ स्टमिक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सजेस्ट एनी टू वेज टू टेक गुड केयर ऑफ मसल्स एंड बोन्स। हम अपने मसल्स और बोन्स को कैसे हिफाजत कर सकते हैं। वी कैन कीप अवर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग बाय डूइंग प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज एंड ईटिंग राइट काइंड ऑफ फूड और कैल्शियम रिच फूड लाइक मिल्क, चीज एंड योगर्ट। हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, इसके अलावा अपने लिए बैलेंस डाइट को चूज करना चाहिए, कैल्शियम रिच फूड का इस्तेमाल करना चाहिए लाइक एज मिल्क, चीज एंड योगर्ट। नाउ वी हैव टू डेज होमवर्क, इंट्रोडक्शन द ह्यूमन बॉडी एंड लाइन क्वेश्चन नंबर 5। थैंक्स।